मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग हर दिन जो है ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, उसका मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी तो इस जियो का मतलब होता है अर्थ अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन। तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का अध्ययन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल कहते हैं। तो हम लोग आज जो है अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में, उसके बाद में जाकर के विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे टोटल जो है 10 पॉइंट देखेंगे कि हमारे देश का जो मानचित्र है वो कैसा है, इसका स्थिति और आकार कैसा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है, फिर हमारे भारत का जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक टोटल लंबाई कितना है, फिर इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, और हमारा जो ये देश है, देश का कोई ना कोई तो अंतिम छोर होगा, यानी कोई ना कोई दक्षिण का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, कोई ना कोई उत्तर का सबसे अंतिम पॉइंट होगा। तो उस सबके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, फिर आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी हमारे देश में कहां से यह गुजर रहा है, फिर कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा मानचित्र, यानी हमारे देश का मानचित्र। तो यह मानचित्र जो है एक संगठन है, भारतीय सर्वेक्षण संगठन, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का जो ये भारत यह मानचित्र जो है वो चतुष्कोणीय है, और इसी संगठन के द्वारा, यानी भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है यह मानचित्र जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं स्थिति और आकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का भारत जो है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह हम लोग का जो है ग्लोब है, ग्लोब यानी यह हम लोग का पूरा विश्व है। विश्व को अगर हम लोग इस बीच से अगर एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, जो कि विश्व की रेखा है, इसके उत्तर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर जो इस साइड है इसको पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध। तो हम लोग का जो भारत है यानी इंडिया जो है वो इस वाले में है, यहाँ पे हम लोग का इंडिया स्थित है, इसलिए हम लोग का भारत कहाँ हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग का भारत स्थित है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का भारत का जो आकार है वो कैसा है। तो आकार जैसा हम लोग देख रहे हैं, यह आकार इसका कैसा है, चतुष्कोणीय। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल जो जो देश आता है वो देखते हैं। तो पहला भारत आता है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा श्रीलंका, और सातवां जो आता है मालदीव। यानी टोटल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है, टोटल जो आता है वो 7 देश आता है। 7 देश में कौन कौन सा आता है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 7 जो देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो देश है भारत, इसका लंबाई कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी जो हम लोग मैप बनाते हैं तो मैप में ऊपर वाला जो होता है ये उत्तर होता है, नीचे वाला जो होता है वो दक्षिण, और इधर का जो साइड होगा, इधर का दिशा ये हो गया पूर्व और इधर पश्चिम। तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो पूरा लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर। और फिर इसको हम लोग पूर्व से लेकर के पश्चिम तक देखते हैं तो यह हो जाता है 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितना हो गया, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किसको कहते हैं, तो जो हमारा जो ये जो विश्व है, जो क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, यह जो रेखा होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखा। और जो नॉर्थ से साउथ को, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण को जो मिलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक में यह स्थित है। कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है। और इसका जब हम लोग देशांतरीय विस्तार देखेंगे तब यह हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये ईस्ट है, पूरब तक यह स्थित है। यानी हम लोग टोटल कितना देखें, तो हम लोग का जो अक्षांशीय विस्तार है
चार मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला हम लोग देख लेते हैं, यानी हम लोग देशांतर तक देख चुके हैं, अगला हम लोग देख लेते हैं अंतिम बिंदु, यानी हमारा जो देश भारत है इसमें कौन कौन सा अंतिम बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर का, ये उत्तर है, उत्तर में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और लद्दाख का सबसे जो अंतिम छोर है वह है इंद्राकोण, उसका नाम है इंद्राकोण, यानी भारत का सबसे उत्तर का जो बिंदु है उसका नाम क्या है, इंद्राकोण। यह कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर हम लोग अगला देखते हैं दक्षिणतम पॉइंट, यानी जो दक्षिण में स्थित है, तो यह है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या ये केप का मतलब क्या होता है, तो केप जो है एक इंग्लिश शब्द है, और केप का मतलब होता है यह जो हमारा भूस्थल है, भूस्थल का अंतिम छोर जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, केप। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो केप कोमोरिन है, ये जो कन्याकुमारी में स्थित है, इसके पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, इसके पश्चिम में जो है अरब सागर, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी अर्थात अरब सागर, और इसके दक्षिण में क्या स्थित है, हिंद महासागर। तो टोटल ये तीन दिशा से, यानी पूरब, दक्षिण और पश्चिम, तीन दिशा से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, केप कोमोरिन, ठीक है, इसको हम लोग केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, और अगर ऐसे पूछा जाए कि आखिर जो है हम लोग का सबसे दक्षिण का जो बिंदु है वह कौन सा है, तो वह हो जाता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, यानी इंदिरा पॉइंट को हम लोग तीन नामों से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ठीक है, यानी दक्षिणतम बिंदु हम लोग अब समझ गए हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं इधर पूरब का बिंदु, तो पूरब का बिंदु जो है वह है वलांगू, वलांगू, और इसी को हम लोग किविथु नाम से भी जानते हैं, यानी जो पूरब का बिंदु है उसको हम लोग दो नामों से जानेंगे, किस किस नाम से, पहला हो जाएगा वलांगू और दूसरा हो जाएगा किविथु। ये पूरब का हो गया, हम लोग पश्चिम का देखते हैं, तो पश्चिम का जो बिंदु है जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे जो पश्चिमतम बिंदु जो है वह गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग सन क्रीक के नाम से जानते हैं, गुहार मोती के नाम से जानते हैं और गौर मोता के नाम से जानते हैं, यानी टोटल हम लोग कुल मिलाकर के तीन नामों से जानते हैं, किस किस नाम से, सन क्रीक, गुहार मोती और गौर मोता। तो हम लोग अब समझ गए हैं, यानी उत्तर का जो अंतिम बिंदु है वो लद्दाख में स्थित है, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, जो दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन है कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, और इधर जो वलांगू है जिसको हम लोग किविथु भी कहते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, और जो इधर पश्चिमतम बिंदु है यह जिसको हम लोग सन क्रीक, गुहार मोती और गौर मोता कहते हैं, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है, यानी हम लोग अपना अंतिम बिंदु समझ लिए। अगला जो है वो है क्षेत्रफल, तो हमारा देश भारत जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका मतलब 6 देश जो है वो हमसे आगे है, तो उसका नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे आगे। तो सबसे पहला जो है वह है रूस, दूसरे नंबर पे कौन सा है, कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, चीन, पांचवें नंबर पर ब्राजील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और वही जो 7वां नंबर है वो हमारा देश भारत का है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, मानक देशांतर रेखा, यह जो है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मानक देशांतर रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, यहाँ ये है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश से IST गुजरता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पे एक मिर्जापुर है और मिर्जापुर के नैनी जगह से जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, और यह कितने डिग्री पर है, तो यह जो है 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट में यानी पूरब में यह स्थित है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो हम लोग अब
प्रदेश। दूसरा जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है यहाँ पे। इसके नीचे आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे यहाँ पर जो है ये आ जाता है आंध्र प्रदेश। यानी टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरा, पांच राज्यों से। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है यह हमारे देश के, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बीच से होकर, जो कि भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। और यह कितने डिग्री से, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपने विश्व के मानचित्र में, यह जो है हम लोग का ग्लोब है, यह जो है ये विषुवत रेखा, और इसी के ऊपर जो है यह जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने से गुजरता है, तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ से होकर के गुजरता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यही रेखा जो है भारत को लगभग दो बराबर भागों में इसको बांट देती है। तो यह रेखा जो है ये भी किसी न किसी राज्य से होकर गुजर रही होगी, तो टोटल जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका हम नाम जान लेते हैं कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य जो है वो यहाँ पर है गुजरात, इसके बाद है राजस्थान, और फिर बीच में जो यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ये जो है ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और ये मिजोरम। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरी है, 8 राज्यों से गुजरी है। तो हम लोग क्या क्या समझे आज इस पूरे में, तो पूरे में हम लोग देखे कि भारत का मानचित्र जो है वो किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। हमारे भारत का जो स्थिति है वो कैसा, कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है। फिर अगला देखे कि भारत का जो लंबाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कहाँ से कहाँ तक है। अगला देखे हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। फिर हम लोग देखे कि हमारा देश भारत का अंतिम बिंदु कौन कौन सा है और उसको किस किस नाम से जानते हैं। फिर हम लोग जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो देखे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखे, और कर्क रेखा देखे, ठीक है। भारत के बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो समुद्र है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान और निकोबार नाम का एक द्वीप समूह है, और ये अरब सागर यानी पश्चिम में जो है ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया पूरा टॉपिक, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।